होली का त्योहार सतयुग में भक्त प्रहलाद से जुड़ा है। कहानी है कि हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को विष्णु भक्त होने के कारण उसके पिता ने काफी तकलीफें दी थी। बुआ होलिका ने उसे गोद में बिठाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन खुद जल गई। उसी प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। वैसे तो भारत में भगवान नरसिंह के कई मंदिर हैं, लेकिन विशाखापट्टनम में सिंहाचलम मंदिर है जिसे भगवान नरसिंह का घर कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। श्री वाराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिंहाचलम पहाड़ी पर मौजूद है। यह मंदिर भगवान विष्णु के भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह मंदिर विष्णु के नौवे अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। कहा जाता है कि यह मंदिर तिरुपति मंदिर के बाद भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। केवल अक्षय तृतीया को छोड़कर बाकी दिन यह मूर्ति चंदन से ढकी रहती है। केवल अक्षय तृतीया के दिन मूल प्रतिमा के दर्शन कराए जाते हैं जिसे निज रूप दर्शन कहा जाता है। इसकी बहुत मान्यता है। मूल प्रतिमा तिभंगी मुद्रा में है जिसके दो हाथ और मानव धड़ पर शेर का सिर है। मंदिर की दीवारों पर तेलुगु और उड़िया भाषा में 252 शिलालेख हैं। यह मंदिर उड़ीसा और द्रविड़ शैली की वास्तुकला के समामेल को प्रदर्शित करता है। ऐसी धारणा है कि बहुत पहले जब मुस्लिम आक्रमणकारी इस मंदिर को नष्ट करना चाहते थे तो कुमारनाथ नाम के एक धार्मिक कवि ने भगवान नरसिंह से निवेदन किया। तब तांबे की कुछ मक्खियों के एक झुंड ने आक्रमणकारियों पर हमला किया और फिर वे सिंहाचलम की पहाड़ियों के पीछे कहीं गायब हो गई। सिंहाचलम के लोग मानते हैं कि भगवान नरसिंह की दया के कारण यह मंदिर लूटने से और नष्ट होने से बच गया। सिंहाचलम जाने वाली सड़क आसपास की हरियाली के साथ एक खूबसूरत तस्वीर के रूप में दिखाई देती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह मंदिर जहां खड़ा है वह स्थान कितना अद्भुत है। बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया के पवित्र दिन सिंहाचलम पर्वत की छटा ही निराली होती है। इस पवित्र दिन यहाँ विराजमान श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। माना जाता है कि भगवान की प्रतिमा का वास्तविक स्वरूप केवल इसी दिन देखा जा सकता है। सिंहाचल यानी कि सिंह मतलब शेर और अचल मतलब पर्वत, अर्थात सिंह का पर्वत है। स्थल पुराण के अनुसार भक्त प्रहलाद ने ही इस जगह पर नरसिंह भगवान का पहला मंदिर बनवाया था। भक्त प्रहलाद ने यह मंदिर नरसिंह भगवान द्वारा उनके पिता के संहार के बाद बनवाया था, लेकिन सतयुग के बाद इस मंदिर का रखरखाव नहीं हो सका और यह मंदिर धरती में समा गया। आगे जाकर लूनार वंश के पुरुर्वा ने एक बार फिर इस मंदिर की खोज की और इसका पुनर्निर्माण करवाया। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि पुरुर्वा एक बार अपनी पत्नी उर्वशी के साथ वायु मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनका विमान किसी प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित होकर दक्षिण के सिंहाचल क्षेत्र में जा पहुंचा। उन्होंने देखा कि प्रभु की प्रतिमा धरती के गर्भ में समाई हुई है। उन्होंने इस प्रतिमा को निकाला और इस पर जमी धूल साफ की। इस दौरान एक आकाशवाणी हुई कि इस प्रतिमा को साफ करने के बजाय इसे चंदन के लेप से ढांक कर रखा जाए। इस आकाशवाणी में उन्हें यह भी आदेश मिला कि इस प्रतिमा के शरीर से साल भर में केवल एक बार बैसाख महीने के तीसरे दिन चंदन का यह लेप हटाया जाएगा और वास्तविक प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। आकाशवाणी का अनुसरण करते हुए इस प्रतिमा पर चंदन का लेप किया गया और साल में केवल एक बार ही इस प्रतिमा से लेप हटाया जाता है। तब से श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी भगवान की प्रतिमा को सिंहाचल में ही स्थापित कर दिया गया। मित्रों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का यह मंदिर विश्व के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह समुद्री तट से 800 फुट ऊंचा है और उत्तरी विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर पहुंचने का रास्ता अनानास और आम आदि फलों के पेड़ों से सजा हुआ है। रास्ते में राहगीरों के विश्राम के लिए हजारों की संख्या में बड़े पत्थर इन पेड़ों की छाया में स्थापित हैं। मंदिर तक चढ़ने के लिए सीढ़ी का मार्ग है जिसमें बीच बीच में तोरण बने हुए हैं। शनिवार और रविवार के दिन इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही यहां दर्शन करने के लिए सबसे सही समय अप्रैल से जून तक का होता है। यहां पर मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं वार्षिक कल्याणम जो कि चैत्र की शुद्ध एकादशी को आता है, और चंदन यात्रा जो कि वैशाख महीने के तीसरे दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आता है। सुबह 4 बजे से मंदिर में मंगल आरती के साथ दर्शन शुरू हो जाते हैं और सुबह 11:30 से 12 और दोपहर 2:30 से 3 के बीच तक दो बार आधे आधे घंटे के लिए दर्शन बंद होते हैं।
रात को 9 बजे भगवान के शयन का समय हो जाता है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए। सड़क के रास्ते से विशाखापट्टनम हैदराबाद से 650 और विजयवाड़ा से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान के लिए नियमित रूप से हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, चेन्नई और तिरुपति से बस सेवा उपलब्ध है। रेल मार्ग से विशाखापट्टनम चेन्नई कोलकाता रेल लाइन का मुख्य स्टेशन माना जाता है। साथ ही यह नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद से भी सीधा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह जगह हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और भुवनेश्वर से वायु मार्ग द्वारा सीधे जुड़ी हुई है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट इस जगह के लिए हफ्ते में 5 दिन चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता से उपलब्ध है। आज के लिए इतना ही। अगले शुक्रवार ले चलेंगे आपको ऐसे ही किसी दूसरे मंदिर के दर्शन के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपके अपार प्यार के लिए धन्यवाद। हमारे ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।